नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। इस लेक्चर में हम जो है मई मंथ का करंट अफेयर करने वाले हैं, जो मैगजीन के जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। इससे पहले हम जनवरी से लेकर अप्रैल तक कर चुके हैं, तो वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का अलग अलग वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था और चारों जो चार अपने मंथ थे उनका एक कंबाइंड भी करवाया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इसमें हम चर्चित व्यक्ति देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पुस्तम, जो नरेंद्र मोदी की पुस्तक है एग्ज़ाम वॉरियर्स, उसको ब्रेल संस्करण किसने के द्वारा जारी किया है। तो ब्रेल लिपि आपने सुना होगा, तो उसमें एक ब्रेल संस्करण आया उसका नया, तो उस किसने थावरचंद गहलोत ने जारी किया है। डॉक्टर किरण बेदी, आप सब जानते हैं कि ये पहली क्या थी, IPS थी, ठीक है, भारत की। तो डॉक्टर किरण बेदी किस केंद्र शासित प्रदेश की उपराज्यपाल है, तो पुडुचेरी की। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी युधवीर सिंह मलिक को हाल ही में किस संकटग्रस्त फर्म के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप नियुक्त किया, तो यूनिटेक के। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि जायर बोलनसारो ने अपनी यात्रा के दौरान द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए, वह खालिस्तान से संबंधित हैं, तो कहाँ से, ब्राज़ील से, ठीक है, ब्राज़ील के थे वो। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, चल्ला श्रीनिवासुल्लू सेट्टी, ठीक है। हाल ही में आयुष निर्माणी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया, हरी मोहन को। प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख कौन बने हैं, तो SK मिश्रा। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे, वर्तमान में सुनील अरोड़ा। हाल ही में किसे इंडियन बैंक एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया, सुनील मेहता को। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल, जिसने अभी इस्तीफा दे दिया, ठीक है, इस पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और अकाली दल है उसने NDA से अलग होने का भी जो है निर्णय लिया है, ठीक है, तो इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया अपने पद से, कृषि बिल जो 3 अध्यादेश आए हैं उनको लेकर, ठीक है। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, संजीव चड्ढा। मनमोहन सूद का हाल ही में निधन हो गया, वह किस संबंधित थे, तो खेल से। किस राज्य के पूर्व मंत्री जगन्नाथ राउत का हाल ही में निधन हुआ, तो वो ओडिशा के थे। आगे बढ़ते हैं, बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किस मंत्रालय और संगठन द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है, तो भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा। केरल के उस लड़के का क्या नाम है जिसने भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से गणतंत्र दिवस पर भारत पुरस्कार 2019 प्राप्त किया, तो केरल के उस लड़के का नाम आदित्य के है, ठीक है। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपा प्रभाधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, श्री कुमार मुन्नन सिंह व्यक्तिगत श्रेणी में। और हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, तो MC मैरी कॉम, बॉक्सिंग से संबंध है इनका। योजनाएं और कौन कौन सी लॉन्च की गई हैं, 4 जून 2019 तक कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 1100% व्यक्तित्व घरेलू शौचालय कवरेज उपलब्ध कराई जा चुकी है, तो 30। अगला है 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 12,300 करोड़। क्वांटम कंप्यूटिंग और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई, 8,000 करोड़। सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, 2.83 लाख करोड़। बिजली नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए कितनी राशि, तो 22,000 करोड़। हृदय योजना सरकारी योजना निम्न से खालिस्तान संबंधित है, विश्व धरोहर स्थल से। राष्ट्रीय वस्त्र मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, 1480 करोड़। कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट के लिए कितनी राशि, 3,000 करोड़। केंद्र सरकार विवाद से विश्वास योजना लॉन्च करने के लिए तैयार है, इस योजना का मुख्य एजेंडा कर मुकदमेबाजी में कमी। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 9,000 करोड़। अनुसूचित जातियों के विकास और कल्याण के लिए कितनी राशि, 53,700 करोड़। अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्ग विकास और कल्याण के लिए कितनी राशि, 85,000 करोड़। अगला है 5 लाख से 7 लाख तक की आय के व्यक्ति पर लगाए जाने वाले कर की राशि क्या है, 10%, 5 से 7 लाख की जिसकी आय हो। शिव भोजन योजना जिसका उद्देश्य गरीबों की रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराना, हाल ही में किस राज्य में, महाराष्ट्र में। बजट 2020-21 के अनुसार भारत नेट के माध्यम से घर तक फाइबर कनेक्शन इस वर्ष कितनी पंचायतों को जोड़ेगा, तो
1 लाख, ठीक है। 2020-21 में परिवहन अवसंचरण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 1,70,000 करोड़। और राष्ट्रीय और राज्य के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सरकार द्वारा कृषि के लिए कौन सी रेल स्थापित की जाएगी ताकि देश भर में सामान जल्दी पहुंचाया जा सके, किसान रेल। जनजातीय संग्रहालय की स्थापना किस राज्य में की गई, झारखंड में। स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत एशिया और अफ्रीका में आयोजित की जाने वाली परीक्षा का नाम, उसको इंट सेट बोलते हैं। भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यन। सरकार ने 2024-25 तक केंद्र सरकार के कर्ज को GDP के 45% तक कम करने का लक्ष्य रखा है, 40%। भारतीय विद्युत उद्योग की प्रदर्शनी का नाम क्या है, हाल ही में केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री को ने इसका उद्घाटन किया, तो इसका नाम हम बात करें इलेक्रामा। भारत का कौन सा शहर पल्स रणनीति के माध्यम से 100% पोलियो मुक्त बनने वाला पहला शहर बना है, तो वेलूर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 2011-12 से 2017-18 के बीच कितनी नई नौकरियां सृजित हुई, तो 6.3 करोड़। बजट 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2021 के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य कितने प्रतिशत रखा गया, GDP का 3.5%। सरकार के राष्ट्रीय गैस ग्रिड को 27,000 किलोमीटर तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है, वर्तमान में लंबाई 16,200 किलोमीटर। किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुनी का होने का उम्मीद है, तो 2022 तक। कौन सा कर समाप्त कर दिया गया, लाभांश वितरण कर। गिफ्ट सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा, गिफ्ट शहर किस राज्य में स्थित है, गुजरात में। निम्न में से किस भारतीय राज्य के सब्जियों के उत्पादन में 2018-19 में कृषि मंत्रालय में हालिया आंकड़ों के अनुसार सबसे ऊपर है, पश्चिम बंगाल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे किस वर्ष तक 100% विद्युत चालित रेलवे बनेगा, 2024 तक। कृषि में निर्यात के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कौन सी योजना शुरू की, कृषि उड़ान। MSME के ऑडिट के लिए टर्नओवर सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया। वर्ष 2018-19 में सेवा के क्षेत्र की वृद्धि दर घटकर कितने प्रतिशत रहेगी, तो जो 2017-18 में 8.1% थी, तो अब वो 7.5% रह गई है। कौन सा देश सूरजमुखी के बीज का शीर्ष उत्पादक है, यूक्रेन। किस राज्य ने हाल ही में 18,000 किलोमीटर से अधिक के लिए दुनिया की सबसे लंबी जागरूकता मानव श्रृंखला का आयोजन किया, बिहार। स्वदेशी तोपों का नाम क्या है जिसे भारतीय सेना में शामिल किया, सारंग। कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन है, अंतरिक्ष विभाग। बजट 2020 में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। सांस्कृतिक मंत्रालय की कितनी राशि दी है, 3150 करोड़। आगे बढ़ते हैं कुछ इंटरनेशनल जो न्यूज़ हैं। देश को प्रति व्यक्ति आय $5,000 करने को लेकर प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में खालिस्तान वृद्धि की आवश्यकता है, 2.5 गुना। ग्लोबल टॉप 100 सिटी की सूची में स्थान पाने वाला भारत का एकमात्र बैंक कौन सा है, भारतीय स्टेट बैंक। भारत में मानव विकास सूचकांक स्कोर खालिस्तान प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में 4 गुना वृद्धि हुई है, तो ये 0.8 जो है प्राप्त करने के लिए प्रति व्यक्ति ऊर्जा में 4 गुना वृद्धि हुई है। 2024-25 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए बुनियादी ढांचे पर कितना खर्च करना होगा, तो $1.4 ट्रिलियन। पवन ऊर्जा के मामले में भारत कौन सा स्थान है, चौथा। प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने में कौन सा प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट आयोजित होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में किस देश ने शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया, डेनमार्क और न्यूजीलैंड। विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में जारी सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत का रैंक 76वां है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बाजार हिस्सेदारी 43% थी, जबकि चीन में ये 2% और नॉर्वे में 39% है, तो भारत की हम बात करें तो 0.06%। आगे बात करते हैं JLL City मोमेंटम इंडेक्स 2020 के अनुसार किस भारतीय शहर को विश्व के सबसे गतिशील शहर के रूप में घोषित किया, हैदराबाद। हाल ही में किस संगठन ने टाइम टू केयर रिपोर्ट जारी किए, NGO ऑक्सफैम ने। नवीनतम अनकैडेट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता होगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने हाल ही में अपनी UNWTO विश्व पर्यटन बैरोमीटर रिपोर्ट जारी की है, तो UNWTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, मैड्रिड, रियल मैड्रिड, सुना होगा आपने, मैड्रिड। विश्व बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में भारत का रैंक 77वां है।
हाल ही में किसने ग्लोबल हेल्थ चैलेंज रिपोर्ट 2020 जारी किया? तो WHO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है वित्तीय जागरूकता से, केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उसने। स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में कितनी राशि आवंटित की? 69,000 करोड़। बैंक जमा राशियों के लिए बीमा कवर 1,00,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 10,00,000। RBI की रिपोर्ट के अनुसार हम बात करें तो RBI की रिपोर्ट के अनुसार बैंकों द्वारा पहले ही गैर निष्पादित खातों से प्राप्त खालिस्तान 50,000 करोड़ रुपये हैं। 50,000 करोड़ रुपये। हाल ही में किस निजी क्षेत्र के बैंक ने अपने ATM से कार्डलेस कैश निकास सुविधा शुरू की है? तो ICICI बैंक। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए अल्पकालीन ऋण निवेश सीमा क्या है? जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 20% पहले निर्धारित की गई थी, तो अब 30%। वर्तमान रेपो रेट 4% है। आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष जो रेपो रेट है, ये रेपो रिवर्स रेटो CRR चेंज होती रहती हैं, तो वो मंथली आप चेक कर लेना इसको। आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2020 के सकल घरेलू उत्पाद में खालिस्तान वृद्धि हुई 7%। भारत को वित्त वर्ष 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रति वर्ष 8% की दर से वृद्धि की आवश्यकता है। 2017 में रोजगार में सेवा की हिस्सेदारी का दर प्रतिशत 34%। किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने हाल ही में पायनियर बैंकिंग नामक अपना एक धन प्रबंधन मंच लॉन्च किया है? तो जो इंडसइंड बैंक है उसने। 2018-19 के लिए राजकोषीय घाटे के अनुमान को GDP के खालिस्तान प्रतिशत पर बनाया रखा है, 3.40%। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में भारत में भोजन की प्लेट के अर्थशास्त्र का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है? तो थेलिनोमिक्स। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 के अनुसार कुछ राज्य तक एक वृद्ध समाज संक्रमण शुरू कर देंगे 2030 तक। आयकर ब्रैकेट 12.5 से 15,00,000 का आयकर प्रतिशत 25%। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में अनुमान लगाया गया कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितनी होगी? 6.65%। वित्त वर्ष 2019 के लिए अनुमानित औद्योगिक विकास दर 2.5%। भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 2018-19 में खालिस्तान प्रतिशत बढ़कर 2017-18 में 7.2% हुई, तो 6.8 से ही 7.2 हो गई। ठीक है, कुछ खेल की बातें देख लेते हैं। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। कौन सा देश 10 से 17 अक्टूबर 2020 को इंडोर क्रिकेट विश्व कप के 11वें संस्करण की मेजबानी करेगा? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में निकट जरीन खबरों में थी, वह खालिस्तान से गेम से है, मुक्केबाजी से। हाल ही में कौन सा भारतीय स्पिनर एक दिवसीय मैचों में 100 विकेट लेने वाला सबसे तेज स्पिनर बना है? कुलदीप यादव। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन देखते हैं हम। मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान में कौन अंतरिक्ष की सवारी करेगा? व्योम मित्र। कौन सा देश विश्व का अग्रणी बॉक्साइड उत्पादक है? ऑस्ट्रेलिया। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA के सहयोग से किस राज्य में भारत की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन किया गया? केरल में। बजट के अनुसार कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाना है? सौर ऊर्जा। कुल बिजली उत्पादन में अक्षय ऊर्जा का हिस्सा 25 मेगावाट से ऊपर की जो पन बिजली को छोड़कर 2014-15 में 6% से बढ़कर 2018-19 में 10% हो गया है। किस देश ने हाल ही में एक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण किया जिसका नाम K4 है और जिसे पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है? तो भारत है। हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक उन्नत पोलनेट 2.0 को लॉन्च किया है। तो पोलनेट का अर्थ क्या होता है? पुलिस नेटवर्क सर्विस। किस राज्य में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एस्टूर्नी बायोलॉजी रीजनल सेंटर ने नई सांप ईल प्रजाति की खोज की जिसका नाम ऑफिच कैलाश चंद्रई है? तो ओडिशा के अंदर खोज की है। और अब कुछ विविध तथ्य हैं। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क पवगाड़ा सोलर पार्क कर्नाटक के अंदर स्थित है। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादक पश्चिम बंगाल। और उस स्वतंत्र निकाय का नाम बताइए जो गैर राजपत्रीय पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करेगा? तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। PJK नायक समिति खालिस्तान सार्वजनिक क्षेत्र से बैंक से। नागर होल राष्ट्रीय उद्यान जिसे राष्ट्रीय राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है किस राज्य में? कर्नाटक में। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण भारत का एक वैधानिक निकाय, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय चीनी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? कानपुर में। और ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका?
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान का आर्टिकल 112 खालिस्तान से संबंधित है, केंद्रीय बजट से, GSTN में कितने अंक होते हैं? 15 अंक। रिवेनिया किस देश की मुद्रा है? यूक्रेन की। नीली क्रांति खालिस्तान से, मत्स्य पालन से। अगला है नेक्स्ट हम बात करें तो वियतनाम किस देश की राजधानी है? लाओस की। विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, आप कमेंट करके बताएंगे कि मोटेरा स्टेडियम कहाँ पर है। आधार विवरण के आधार पर कौन सा दस्तावेज तुरंत जारी किया जाएगा? पैन कार्ड। कौन सा आर्थिक विकास का एक घटक है? आधारिक संरचना। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2018 में कितनी नई कंपनियों का गठन किया गया? 1,24,000। पलक्कड़ गैप या पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच स्थित है? जो पहाड़ी दर्रा है, तमिलनाडु और केरल के बीच। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 1961 से 1966। तिरोदा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में? महाराष्ट्र में। और ब्रह्मसागर बांध किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में है। तो ये था हमारा मई का मंथली करंट अफेयर, जो वन लाइनर था, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। फिर मई के बाद हम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर सारे करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, ठीक है? थैंक यू।